आगरा के फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने प्रेस वार्ता के दौरान अपना दर्द बयान करते हुए प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। इस दौरान कमिश्नर से लेकर पीएम पर शासन को गलत रिपोर्ट भेजने की बात कही। साथ ही भाजपा सांसद ने मथुरा के साथ साथ पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग भी केंद्र प्रदेश सरकार से की है। आगरा के भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल अपनी बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने आदर्श गांव को लेकर प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा सांसद का कहना है कि 4 साल में प्रशासन जो कागजी आंकड़े शासन को दिखा रहे हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं। साथ ही उनका कहना था कि प्रशासन ने 19 करोड़ का खर्च कर विकास कार्य उनके गोद लिए गांव पुरसेता में जो दिखाया जा रहा है, दरअसल वह कहीं लोन नहीं कहीं अन्य तरह से दिए गए कर्ज को भी शामिल कर दिखाया जा रहा है। हाल ही में जब ब्यूटिशियन के सामने रिपोर्ट पेश की गई तो इस दौरान कमिश्नर आगरा के मोहन राव ने भी गलत रिपोर्ट प्रेषित कर शासन को भ्रमित कर दिया था। हालांकि इस दौरान सपा सरकार के दौरान 3 साल कोई काम न होने का हवाला भी देते नजर आए। इतना ही नहीं, मथुरा में 6 स्थानों पर शराबबंदी के सवाल पर उनका कहना था कि मथुरा ही नहीं पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। अपराध की सबसे बड़ी जननी शराब है। अपराधी ही नहीं, शराब नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। इसको लेकर वह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शराबबंदी की मांग को लेकर मुलाकात करेंगे। तो चाहे जल निगम हो चाहे बिजली हो, सब लोगों को बुलाया था और जो कार्य इलाके में हो रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में उसकी जानकारी के लिए और उसमें गति देने के लिए उनको बुलाया था और बड़ी अच्छे तरीका से मीटिंग हुई। अधिकारियों ने उसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और उसमें तेजी जरूर पकड़ेंगे ऐसा हमें विश्वास है। बहुत से काम पूरे हो चुके हैं उसके लिए, उद्घाटन के लिए बहुत से कामों की शुरुआत शिलान्यास के लिए अधिकारियों ने कहा है जल्दी हम उस पर काम शुरू करेंगे और आपके द्वारा शिलान्यास कराएंगे, उद्घाटन कराएंगे। नहीं, शराबबंदी कादा से अकेले मथुरा में नहीं, मैं तो चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। इससे नौजवानों में जो एक गलत संदेश जा रहा है और आज का नौजवान आप लोग देख रहे हो ज्यादातर शराब की तरफ भाग रहा है और ये शराबबंदी मैं तो आपके माध्यम से और आज प्रेस के माध्यम से आदरणीय योगी जी से और आदरणीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि सब जगह शराबबंदी होनी चाहिए। इससे क्राइम जो बढ़ रहा है ज्यादातर शराब की वजह से ही बढ़ रहा है और आज की जो नई जनरेशन है वो शराब की तरफ बहुत ज्यादा मुखातिब है और उसका परिणाम शारीरिक रूप में और आर्थिक रूप में बहुत दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकारी अधिकारी जो है वो गुमराह कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की मानसिकता जो पहले थी अब उसमें बदलाव जितना नहीं आया जितना होना चाहिए। तो अभी जो व्यवस्था है खराब व्यवस्था है उसके लिए सरकार हमारी लगी हुई है और व्यवस्था सुधारने में टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज।